आइए आज हम बात करते हैं टैटू के बारे में। वही टैटू जो आज के दौर में फैशन स्टेटमेंट का हिस्सा बन चुका है। वैसे तो भारत में शरीर पर कलात्मक आकृतियां बनाने का चलन प्राचीन दौर से ही चला रहा है, लेकिन अब इसकी जगह मॉडर्न टैटू ने ले ली है। टैटू एक कला है और टैटू आर्टिस्ट एक कलाकार। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं जम्मू के एक ऐसे ही कलाकार से मिलने, जिन्होंने जम्मू में टैटू की दुनिया का पहला अध्याय लिखा। वो कहते हैं कि वो जम्मू के पहले टैटू आर्टिस्ट हैं। उनका नाम है हैप्पी और फिलहाल सावन की इस भक्ति भरी ऋतु में हैप्पी ने एक अद्भुत संकल्प लिया है। उन्होंने 101 लोगों को मुफ्त में महादेव के नाम का टैटू अंकित करने का प्रण लिया है। तो आइए मिलते हैं जम्मू के पहले टैटू आर्टिस्ट हैप्पी जी से और उनसे जानते हैं उनका जम्मू का पहला टैटू आर्टिस्ट बनने की कहानी के बारे में। हैप्पी जी, बाकी बातें आपसे बाद में जानेंगे, सबसे पहले आप बता दीजिए कि आप ये क्या टैटू बना रहे हैं। जय शंकर, जय भोलेनाथ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए भी निकाला। तो जैसे कि अभी आपने पूछा कि आज कौन सा टैटू करें, ये महादेव जी के जैसे रुद्राक्ष होती है ना, रुद्राक्ष की माला वगैरह, तो ये मैं रुद्राक्ष कर रहा हूँ इनको। ये रुद्राक्ष की माला का टैटू बनाया है आपने, जो वाकई ही बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप ये टैटू बनवा रहे हैं, इसमें आपको कोई दर्द हो रही है? हाँ, मतलब अगर कोई ऐसा बोले कि पेन नहीं हो रही है तो वो गलत होगा। पेन तो डेफिनेटली होती है, लेकिन ये शौक है, शौक पूरा करना है, थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा। ये टैटू देख सकते हो अभी आप, जो कि रात के 10:45 बज चुके हैं। शाम को हमने कोई 6-7 बजे शुरू किया था। ये देखिए, जय बोले हर हर महादेव, जय श्री शंकर, बम बम बोले, जय शंकर भगवान की जय। ये कला तो हमने देख ही ली, लेकिन आइए अब बात करते हैं कलाकार से, यानी हैप्पी जी से। हैप्पी जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप ये क्लेम करते हैं कि आप जम्मू के पहले टैटू आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल मैम, मैं अपने नाम के साथ दाव लगाता हूँ, द फर्स्ट टैटू आर्टिस्ट इन द जम्मू। 2007 में मैंने ये टैटू शुरू किया था। हैप्पी जी, ये बहुत बड़ा क्लेम है, आप कहते हैं कि आप पहले टैटू आर्टिस्ट हैं, आपसे पहले कोई भी नहीं था। नहीं, मेरे से पहले कोई नहीं था। आपने सबसे पहले जम्मू में जब शुरू किया तो कब और कैसे शुरू किया? मैंने जम्मू में टैटू जब शुरू किया था 2007 में, उससे पहले मेरा केसी प्लाजा में बेल्ट, डीओ, परफ्यूम, गॉगल्स का काम होता था। और मैं सदर बाजार से ना टेम्परेरी टैटू लाया करता था, वो स्टिकर जैसे होते हैं ना। तो एक दिन भी जैसे वहाँ पे मेन हब था जम्मू का हमारे, मार्केट जो थी ना वो वाली, तो वहाँ पे भी टैटूज के क्लाइंट्स जैसे दिल्ली से भी यात्रु वगैरह भी जैसे जम्मू में आते थे, तो वहाँ पे मार्केट में घूमते थे। तो वहाँ पे कोई टैटू लवर्स आया हुआ था जो कि टैटू आर्टिस्ट ही था। वो कहता, सर आप एयरब्रश या टेम्परेरी टैटो करते हो यहाँ पे, तो परमानेंट भी कीजिए। तो हमें उस टाइम जम्मू में इस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं थी कि परमानेंट टैटो भी, ये है कि मेले वगैरह में देखते थे, छोटे थे उस टाइम देखते थे। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं दिल्ली गया तो मैंने अपना जहाँ से टेम्परेरी लेता था, मैंने सर को बोला कि सर अब देखो किट वगैरह भी चाहिए। तो वो चाइना जाते रहते थे, तो उन्होंने मुझे एक पेन मशीन जैसी एक परमानेंट मशीन ला के दे दी। तो फिर मैंने 2007 में आस्ते आस्ते इसका थोड़ा सा नॉलेज भी थी मेरे को इसकी भी, तो टैटू शुरू किया। तो सिक्किम का कोई आर्टिस्ट था उस टाइम मेरे साथ, एक जम्मू दिल्ली से था, तो फिर हम जम्मू में उनके साथ ही शुरू कर दिया। तो ये खुद ही सीखते गए आप? फिर आस्ते आस्ते खुद ही सीखते गए। फिर दिल्ली में ना इसकी कुछ टाइम ऐसा आया तो वर्कशॉप शुरू हो गई थी कि बाहर फॉरन से भी हमारी नवम्बर या दिसंबर में सेमिनार वगैरह होते हैं इसके, तो बाहर से आर्टिस्ट आते हैं, फिर थोड़ा कुछ नॉलेज उनसे बढ़ती गई। तो अभी मेरे जो गुरु जी हैं वो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, चंडीगढ़ और दिल्ली से, मंजीत पाजी नाम है उनका, मंजीत टैटूज करके स्टूडियो है। जैसे आपने अभी कहा कि 2007 से आप ये काम कर रहे हैं और आपने खुद कहा कि आप जम्मू के पहले टैटू आर्टिस्ट हैं, तो कभी ऐसे लगा कि जितने लंबे समय से आप काम कर रहे हैं उतना सपोर्ट कभी जम्मू वालों से नहीं मिला? देखो, उस लेवल का सपोर्ट ये है कि सबसे पहले तो हमारा आधा काम तो वहीं खत्म हो जाता है कि डिफेंस में जॉब नहीं है इसमें, कि बच्चे जैसे टैटूज वगैरह के लिए जाते हैं ना, एक तो टैटू 18 साल से नीचे एलोई नहीं है, जो कि जम्मू के मैंने अभी भी कुछ पेरेंट्स ऐसे देखे हैं, मैंने अपने स्टूडियो में आते देखे हैं, पेरेंट्स साथ आते हैं कि नहीं हमारे बच्चे का कर दो, ये 16 साल का, ये 17 का, कहीं तो बच्चा फेस से लगता है कि ये छोटा, जब आईडी मांगते हैं
नहीं आपने आईडी क्या करनी है ये, बट देखो उसमें 18 साल से नीचे जो बच्चा होता है ना उसको समझ नहीं होती आगे फ्यूचर क्या है उसका, तो उसके लिए मैंने ये चीज बोली थी कि अवेयरनेस के लिए कि टैटू मत कीजिएगा, तो आगे जॉब हो सकता है डिफेंस में चले जाएगा, दुबई में भी अगर टैटू आपने किया होगा तो वहां पे जॉब प्राइवेट जॉब भी नहीं है वहां पे, तो नंबर ये आ गया। उसके बाद मैं कहता हूँ कि जैसे हमारे जम्मू में आज भी आपने देखा होगा कहीं सिटी वगैरह जाते हो तो फुटपाथ पे भी वो बाहर से आए हुए टैटू आर्टिस्ट वगैरह जो कि मेले वाले में भी देखते हैं, तो हमारे जम्मू के उनको मौका देते हैं कि नहीं हमारी बाजू पे लिख दो, वो 10 रुपए 20 रुपए के चक्कर में अपनी जान के जान को नहीं देखते हैं, वो बस नाम होना चाहिए हाथ पे मार्क होना चाहिए, तो ऐसा मत कीजिएगा ये जी। अभी हमने सुना है कि आपने कोई जम्मू वालों के लिए ऑफर निकाला है फ्री टैटू का। ऑफर्स इस बार तो मुझे खुद भी समझ नहीं लगा कि मेरे को, मैंने महादेव जी के नाम का टैटू जो है 101 का निकाला था, बट अभी साथ साथ में और ये मैं सारा अकेले ही हैंडल कर। अच्छा, आपने ये ऑफर निकाला था कि महादेव के नाम के 101 टैटू फ्री कर, 101 टैटू मैं फ्री में कर रहा हूँ, और जो कि अभी उनके आशीर्वाद से भी और जम्मू वालों का मुझे प्यार भी अभी भाइयों का भी इतना मिल रहा है कि टैटू मेरे चल रहे हैं। हाँ पीछे जैसे आपने कहा कि आप अकेले ही सब देख रहे हैं और अब आप फ्री टैटू भी कर रहे हैं, तो कैसे सब मैनेज हो रहा है उसमें? देखो कि बाकी तो स्टॉक कैसे कहाँ से आ रहा है वो मुझे खुद भी नहीं पता, और इस बार तो महादेव जी की कईयों को जैसे टैटू करवाने आता था मैं बोलता हूँ सर आपको फ्री में टैटू का स्लॉट मिल गया, वो मुझे भी कुछ ना अजीब सा लग रहा था क्योंकि वीडियोज वगैरह बनाओ ना, तो मुझे भी महादेव जी का ऐसा आशीर्वाद मिला कि मैं बोलता था कि सर भाभी आगे प्रसाद मिल गया, तो वो खुश होके ही बोलते हैं, उनकी चेहरे पे उस टाइम ना हंसी दिखने वाली मुस्कुराहट जो है ना बस उसी से ही इतना क्या बताऊं मैं अब आपको कि सुकून मिल रहा है। ऐसे मीडिया के लिए तो मैंने एक और इसमें ऑफर कर दिया था कि अगर मीडिया में हो आप तो मीडिया का आप कार्ड वगैरह मेरे को दिखाओगे तो उसमें उनके लिए टैटू मैंने अभी भी फ्री वो चलता रहेगा अभी 30 तारीख को जब ये सावन के महीने तक की लास्ट डेट से पहले पहले। तो जो पेड टैटू है आपके पास उनका क्या रेट है? देखो जैसे आप आजकल जम्मू में खास करके टैटू बाहर इतना महंगा नहीं है, जम्मू में ज्यादा कॉस्टली है। जम्मू में अगर आप छोटा सा कहीं नाम लिखवाने चल जाते हो 2500 रुपया 1500 4500 3500, तो मैंने अभी फिलहाल इसकी भी एक लिमिट ही रख दी हुई है 999 में, 1000 रुपीज में आप जैसे महादेव जी का नेम टैटू त्रिशूल ओम, अदर्स कोई अपने बेबी का नाम लिखवाना चाहता है जैसे कोई माँ का लिखवाता है हिंदी में कोई फादर का, तो अभी फिलहाल 999 में ही चलेगा। मैं अभी मैंने एक चीज और कर दिया था जैसे कोई गरीब घर से कोई बच्चा है वो आर्ट लाइन में बड़ा एक्सपर्ट है उसमें आर्ट है एक अपना कि वो आगे बढ़ना चाहता है, तो ऐसे बच्चे के लिए मेरे दरवाजे खुले हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो कभी भी आके मेरे से ट्रेनिंग ले सकता है, बट उसको अपना जो जैसे इक्विपमेंट है ना मशीन्स वगैरह नीडल्स वगैरह वो खुद अफोर्ड करनी पड़ेगी, बाकी ट्रेनिंग पूरी फ्री रहेगी उसके लिए। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है आपने, तो ये चीज भी थोड़ा सोच समझ के, और प्लस अगर आप जम्मू में किसी स्टूडियो में या कहीं भी जाके टैटू करवाते हो सबसे पहले आर्टिस्ट का वर्क देखिएगा, फिर उसका जो अपना सेटअप रहता है जैसे कि अभी हमने ये आर्म स्टैंड है हमारा हमने इसको भी रैप करके रखा हुआ है, ये ग्लव्स आते हैं बॉटल के ऊपर रैपिंग रहती है, तो इंक कप नीडल ये सारा चेकअप कीजिएगा, अगर आपको उसमें लगता है कि कोई सब बेटर है हाइजीनिक है अच्छी क्वालिटी है तो फिर तो टैटूज में कोई दिक्कत नहीं है, अगर अदरवाइज अगर इसमें अगर आप नीडल्स चेक नहीं करते हो, कई बार क्या होता है कस्टमर चेक नहीं करता नीडल किसी की भी उठाई लगा के शुरू कर दिया तो वो आज नहीं तो कल साइड इफेक्ट हो सकता है, तो ये अवेयरनेस के लिए मैं हाथ जोड़ के विनती है जम्मू वालों के लिए भी बाहर कहीं भी हमारे भाई बहन है तो इस चीज का खास ध्यान रखें। हैप्पी जी अपना एड्रेस एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकों को। एड्रेस देखो मेरा जो मेन कॉन्टेक्ट नंबर मैं अभी दे देता हूँ मेरा 94198912300 है, और इंस्टा आईडी मेरी जो हैप्पी टैटो एंड लाइफस्टाइल के नाम से है, तो मेन एड्रेस अभी मैं सरवाल हॉस्पिटल के बैक साइड में मेरा अपना ऑफिस है जो कि घर भी है मेरा यहीं पे, मैं अभी सर्विस यहीं पे दे रहा हूँ महादेव जी के टैटो की भी इसके अलावा भी अभी वर्क मैं यहीं कर रहा हूँ, ये देख सकते हो 3D में अभी ये महादेव जी का त्रिशूल है डमरू है रुद्राक्ष बना हुआ है, ये टैटो भी आप मेरे से 999 में यानी कि 1000 में आप ले सकते हो, कंप्यूटराइज डिजाइन रहता है हमारा सारा जितना भी है ना ये स्केचिंग हम फ्री हैंड स्केचिंग रहती है मेरी ये कस्टम करके डिजाइन जैसे कोई भी अपना आप ले सकते हो इसमें, ये देख सकते हैं आप सारा सिस्टम में रहता है ये वाला, ये कस्टम डिजाइन भी मैं खुद ही करता हूँ अपने ये इसमें ये देखिएगा ये रहता है हमारा जैसे ये रहता है कस्टम डिजाइन साइज का रहता है इसमें साइज छोटा बड़ा अगर आप अपनी मर्जी से कुछ भी डिजाइन में करवाना चाहते हो तो वो भी इसी में इंक्लूड होगा जी। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे जम्मू वालों से? देखो बस प्यार ही काफी है, इनकी स्माइल्स जब मैं टैटो करता हूँ इनकी स्माइल्स जो मिलती है इनका प्यार बस उसी से ही खुश है हम। थैंक यू सो मच अभी जी बहुत अच्छा लगा। जय शंकर जय भोलेनाथ।